शुरुआत मेरी इस तरह हुई सी इस लाइन च कि मेरे मदर जदों मैं सिक्स च गई सी मेरे मदर एक्सपायर हो गए सीगे। दो ब्रदर सीगे मेरे और मैं सी, ना नानी सी ना कोई दादी सी, ते घर कल्ले संभालना हुंदा सीगा। उसतों ही मैनू इहदा शौक चढ़ गया सीगा। मतलब मैनू जिवें पड़ोसी च जो भी आंटी या जो भी वड्डे बजुर्ग रहिंदे सी, मैं उहनां तों जिहड़े भी जिन्हां दा खाना अच्छा लगदा सी ओह अडोप्ट कर लैंदी सी। उत्थों करदे करदे मैं मास्टर बन गई सी। मेरा नाम कुलजीत कौर है और मैं जलंधर की रहने वाली हाँ। पेरेंट्स मेरे दिल्ली रहिंदे सीगे। मैरिज मेरी करनाल हुई सी और उस तो बाद काम दे सिले च अगे करदे करदे असी जलंधर पहुँच गए। और इस लाइन च मैनू होटल लाइन च 30 साल हो गए है, जिदे तो मैं अपने बच्चे भी पाले है, अपनी बेटियां दी भी शादी की है। 4 बेटियां 1 बेटा है, जिदे च 3 मैरिड ने 2 अनमैरिड। मेरे हसबैंड जड़े सन वो ड्रिंक बहुत करते सन। जब बच्चे हो गए छोटे और खान नू नहीं सी, दारू पी के ते मार कुटाइयां होंदियां सन और बच्चे भुखे रहिंदे सन मैडम। उस वेले फिर मैं शुरुआत एक छोटी जी खोखे तो कीती सी, रेहड़ी तो। उत्थों मैडम मैं काम करदे 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 जॉब ते भी आई, बड़ी जगह कीती मैडम। मैं कलकत्ता भी काम कीता, बॉम्बे कीता, दिल्ली कीता, लुधियाने कीता, जलंधर कीता। फिर हूँ 3-4 साल तो मैडम मैं अपना ही कर रही हूँ। 5 साल तो रिश्तेदारा ने तो बहुत गल्लां कीतियां ने, पर जब पेट भुखा सी, बच्चे भुखे सी, तो रिश्तेदारा ने रोटी तो नहीं दिती सी ना। पेट दे रोटी नाल ही भरना सी, गल्लां नाल ते नहीं सी भरना। तो जदों सारे रिश्तेदारा ने हथ खड़े करते, जदों किसी ने इनलॉज ने भी साथ नहीं दिता, तो फिर मजबूरी नाल जॉब करनी पई। हर तरह के लोग मिले मैडम, बहुत अच्छे भी मिले, बहुत बुरे भी मिले। कई बहुत एप्रीशिएट करते सन, कोई 2 गल्लां करके चले जाते सन, पर आपां अपनी जिंदगी का स्ट्रगल जारी रखिया। क्योंकि मैनू होर कुछ नहीं दिखाई दिंदा सी, मैनू सिर्फ मेरे बच्चे दिखाई देंदे सीगे, क्योंकि मैनू मेरे बच्चे वास्ते रोटी चाहिए सी। जदों असी लॉकडाउन च मैं इत्थे जलंधर आई सी, मेरी बेटी दे बेबी होने वाला सीगा, ते मैं सिर्फ 7 दिन की छुट्टी से आई सी ताकि मैं 7 दिन बाद दोबारा उत्थे जाके काम शुरू करांगी। पर मैडम लॉकडाउन ने ऐसा काम फसा दिता कि असी 3-4 महीने तो निकल ही नहीं सके। जदों असी दिल्ली जाने की परमिशन लई तां तक सानू 7-8 महीने हो गए सीगे। ते 7-8 महीने दे विच मतलब जो भी समान वो खराब हो चुका सी, ऑफिस खाली हो चुके सन। जिथे मेरा शॉप सी मैडम, उत्थे सारे ही ऑफिस सी, मेरा काम ही सारा उन्हां दे उहदे ते चलदा सीगा। ऑफिस बंद होने की वजह नाल मैडम मेरा काम डाउन हो गया। तो उस तो बाद मैनू दिक्कत पैनी शुरू हो गई, क्योंकि काम ही नहीं होगा तो मैं फिर किराया मैडम 40,000 कितों कढ़दी। फिर वर्कर की भी सैलरी सी, फिर मेरा अपना रूम रेंट ते सीगा। ते फिर मैडम असी ये देख के ते असी जलंधर शिफ्ट हो गए सारा समान लैके। उतो जलंधर च भी मैम जदों जिन्ना जमा पूंजी सी सारी खा बैठे सीगे। उस तो बाद कुछ नहीं सीगा होर, ते रोटी ते चाहिदी सीगी मैडम। फिर जिस तरह किस तरह करके जुगाड़ करके रेंट ते शॉप लई, समान मेरे कोल सीगा। वाहिगुरु जी दी दया नाल काम शुरू किया, बहुत मेहनत कीतियां ने मैडम। जूठे भांडे भी खुद धो के गए हैं तां रोटी जोगी होए हैं। फिर उस तो बाद मैडम हौली हौली जो मैं टेस्ट देनी हाँ, जो मेरे मसाले ने वो मेरे सारे होममेड ने और सीक्रेट ने, मैं बाहरों मसाले परचेज नहीं करती। मैं 30 साल तो इस लाइन के बीच हाँ। मेरे हिसाब नाल तुसी मैनू कोई भी डिश दे दिओ, कोई भी, ईवन कि अगर तुसी मेरी अखां ते पट्टी भी बांध दोगे और मैनू तुसी उस दे टेस्ट बारे पुछोगे केड़े मसाले है, मैं तुहानू सेम ओ ही बना के दे सकती हाँ। बाकी मैं फिश, मटन, चिकन आल राउंडर हाँ, ऐसी कोई आइटम नहीं जड़ी मैं छड़दी होवांगी। बाकी मैं नहीं बोलदी मैम, मेरा समान बोलदा है, जड़ा गाह खा के दोबारा रिपीट होंदा। हर कस्टमर नूं रब दी तरह मनदी हाँ कि मेरा कोई कस्टमर साढ़े तो नाराज़ नहीं होना चाहिए, ना क्वालिटी के मामले च ना क्वांटिटी के मामले च। तो मैम जब तक मैं चीज़ टेस्ट नहीं करती, चाहे कोई भी होवे मैम, मैं पैकिंग दे वाल नहीं जावांगी, ना ही मेरा कोई वर्कर उन्हों पैक कर सकता है जब तक वो डिश मेरे को टेस्ट होके नहीं जाएगी।
चिकन कॉर्नर का नाम पापा चिकन कॉर्नर है। यह पैंदा रामा मंडी होशियारपुर रोड से जोल हॉस्पिटल के बिल्कुल अपोजिट सामने। पापा चिकन मैडम इस तरह तरिया सीगा क्यों मेरा बच्चा जड़ा सीगा ना वो पापा नू बड़ा मिस करता सीगा, पर कुछ हालात ऐसे सन कुछ हो सन कि एक उहदा नाम भी रहेगा, एक पापा सारिया तो उपर होंदा भाई, जो प्यो खर्चा चलांदा जो प्यो होंदा वह सारिया का ही प्यो होंदा उहदे बूते ते है। असी यह सोच के कि यह तेरा प्यो है तू एहदे उत्ते आ तैनू कामयाब करेगा। कि कुछ भी अगर बुरा वक्त आता है तो ज़्यादा टाइम वास्ते नहीं आता, अगर अच्छा वक्त नहीं ठहरता तो बुरा भी नहीं ठहरता। चेंज हालात हमेशा बदलते हैं, तो तुसी मन बना के एक रखो, जब तुसी एक हौसला बनाते हो तो वाहिगुरु भी तुहाडे नाल साथ देता है। मैं कई बार डोली बट परमात्मा ने हाथ फड़िया ऐसा कि मैं अगे चलती चली गई और वाहिगुरु कृपा करे शायद होर भी अगे जाऊंगी। सिर्फ अपने काम नू अपना एक ऐसा मकसद बना लिया कि मैनू उस ऊंचाई तक जाना है जिथे तक आम लेडीज़ नहीं पहुंच पान, ताकि मैं एक गल नू कह सकां कि मैं जो कुछ बनाया मैं अपने दम ते बनाया, मैं बच्चे अपने दम ते पाले, किसी अगे हाथ ना अड्डना पवे।